और चाइना के बीच बहुत लंबे समय से हालात गर्म है, पर अब सारी हदें पार हो गई है। एक नहीं, दो नहीं, हमारे 21 बहादुर सिपाही मारे गए। चाइना वाले अपने हरकतों से कभी बाज नहीं आएंगे। 1962 में चाइना के वजह से हमारे हजारों सिपाही शहीद हो गए थे। फिर आया साल 1967, एक बार फिर चाइना ने हरकत की, पर इस बार हमारे सिपाहियों ने उन्हें मजा चखा दिया। लगता है 1967 में हार का मजा चखने के बाद भी चाइना का पेट नहीं भरा। इस बार अगर चाइना खुद से शांत नहीं हुआ तो चाइना का जो हाल होगा वो कोई सोच भी नहीं सकता। हाल ही में यह पता चला है कि हिंदुस्तान का साथ अमेरिका भी देगा। चाइना की हार तो पक्की है। चाइना 1962 में जीता था, पर ये 1962 नहीं 2020 है। हिंदुस्तान हर चीज के लिए तैयार है। हाँ, हिंदुस्तान के पास सेना, हथियार, विमान, टैंक्स कम है अगर हम चाइना से कंपैरिजन करें तो, पर हिंदुस्तान के पास है यूनिटी जो चाइना को फिर से धूल चटाने के लिए काफी है। अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। जीत हर तरफ से हिंदुस्तान की होगी। एक जरूरी चेतावनी, चाइना बहुत शातिर है तो वो ऐसा कुछ कर सकता है जिससे हमारा इंडिया टूट जाएगा। चाइना अपने शातिर दिमाग को चलाकर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच झगड़ा लगा सकता है जिससे हमारे सिपाहियों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएगी और इस चीज का फायदा चाइना उठाएगा। मैं इस टॉपिक पर एक स्पेशल डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, तो अगर आपको इस बारे में प्रॉपरली सब कुछ जानना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, बायकॉट चाइना प्रोडक्ट। आजकल एक बात हर तरफ चर्चे में है, बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स, और बहुत से लोग इसके चलते अपने टीवी और मोबाइल को तोड़ने पर उतर गए हैं। सच तो ये है वो खुद का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जो चाइनीज प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी चाइना से इंडिया में इम्पोर्ट हो चुके हैं। मतलब इन सब चीजों का पैसा चाइना को ऑलरेडी मिल गया है। टीवी और मोबाइल या फिर कोई भी दूसरा चाइनीज प्रोडक्ट तोड़ने से चाइना का नहीं खुद का ही नुकसान होगा। साथ ही बिजनेसमैन जो चाइनीज प्रोडक्ट्स चाइना से इंडिया इंपोर्ट करते हैं उनका भी नुकसान होगा। अभी थोड़े दिन पहले कोई फोन लॉन्च हुआ था, कुछ मिनटों के अंदर ही सारे फोन बिक गए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अगर आप लोगों को बायकॉट करना ही है तो इन चाइनीज फोन्स को करो। अगर आप इन्हें नहीं खरीदते तो ही नुकसान होगा चाइना को। खुद के इम्पोर्टेड टीवी को तोड़ने से उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, ये सोशल मीडिया के ट्रेंड से ज्यादा भावनाओं में मत खो जाओ, क्योंकि जो लोग ये बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स को ट्रेंड करा रहे हैं वही लोग अपने फोन के खराब होने पर ओरिजिनल डिस्प्ले को छोड़कर सस्ती चाइनीज डिस्प्ले लगाते हैं। एक जरूरी बात, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें बायकॉट नहीं करना चाहिए, हमें करना चाहिए, पर एकदम से हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट हर जगह ढेरा डालकर बैठा हुआ है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है, खुश रहो और किसी के भी बातों में आकर खुद का नुकसान मत कर लो। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं चाइना का शातिर खेल समझाने वाला हूँ, उस वीडियो को देखना ना भूले। मैंने इस वीडियो को बनाने में 22 घंटों से ज्यादा वक्त लगा दिया था, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। सबको सच्चाई पता होनी चाहिए जो मैंने इस वीडियो में बताई है, तो प्लीज वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए। इन सब टॉपिक्स के बारे में आप क्या सोचते हो मुझे प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ ऑफन फैक्ट्स यूट्यूब चैनल।